फाइनली गाइस मैंने नमाज पढ़ ली है, तो अब टाइम पास हो रहा है या भी क्या कर सकते हैं। आई डोंट हैव टू डू एनी वर्क एनी थिंग, सो सी यू फ्यू मिनट्स गाइस। ये है मेरे बिस्तर का सुथरा हाल, इससे पहले बड़ा बेहाल था क्योंकि अभी यहाँ पे अल्लाह को याद किया जा रहा है, इसलिए हम जा रही हैं दूसरे रूम के अंदर। तो गाइस टोटल 2:35 हो चुके हैं, तो सिर्फ 5 घंटे बचे हैं रोज़े को खुलने में और इस व्लॉग को अपलोड होने में भी। तो गाइस जिस लोगों की प्रॉब्लम है वो व्लॉग बनाते हैं पर रास्ते में किसी कॉल मेमोरी की प्रॉब्लम की वजह से वो कट जाता है, उसको मैं बताऊंगा एक अच्छा सा हल। वो हल ये है, आप डाउनलोड करें आई मूवी, वहाँ जाके आप अपने किसी भी वीडियो के अंदर एडिटिंग करके ना उसे डाल सकते हैं गाइस। ओके तो गाइस प्लीज़ आप मेरे हर वीडियो को ऐसे प्यार करो जैसे आपने पुरानी वीडियो को किया है, और मेरे सब्सक्राइबर्स एवरीवन लव यू। सो गाइस ये मेरे एक मेरे पास है एप्पल का लैपटॉप, सो आईपैड, और मैं देख रहा हूँ मैडम सर। तो गाइस आई एम वेरी एक्साइटेड, चल देखते हैं। आप बेहतरी भाव की भावना होती तो ये चाय की समस्या इतनी विकट तो नहीं थी कि इसका हल इतना कठिन था। नमाज पढ़ चुका हूँ जैसे आपने कहा, तो गाइस डू नॉट वरी, हैप्पी चिल रिलैक्स, और रमज़ान में जी भर के सहरी के अंदर खाएँ ताकि आप अफ्तारी तक फुल रहें। मैं भी फुल हूँ, अफ्तारी में खाली हो जाऊँगा गाइस, डोंट वरी। तो गाइस आई एम वेरी 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 एक्साइटेड, वो है मेरा ब्रदर, माय ट्विन ब्रदर, उस वो है मेरे लिटिल ब्रदर का बेड, ये जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, ये है मेरे डैड का बेड, तो ये है मेरा एलईडी टीवी जिसे हम कभी कभी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर नहीं करते। सो गाइस आई एम वेरी एक्साइटेड, और मैं देख रहा हूँ मैडम सर हसीना मलिक और करिश्मा सिंह इज रिपोर्टिंग। सो गाइस आज मैं आपको एक और चीज़ प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, वो चीज़ ये है कि गाइस अगर आप भी पाकिस्तान में बैठे हैं और आपकी ये प्रॉब्लम है कि आप अपने फेवरेट इंडियन ड्रामे नहीं देख सकते, तो मैं बताऊंगा आपको एक ऐसी एप्लीकेशन जिसे आप चाहें तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और एप्पल फ़ोन से भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे से। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आपको अपनी गूगल में जाना होगा, वहाँ सर्च करना होगा लाइव टीवी नेट, मैं उसकी स्पेलिंग भी कर देता हूँ, LIVE लाइव TV नेट NET नेट। जैसे आप सर्च करेंगे वहाँ पे आएगा एक 48 पॉइंट, जैसे जाकर नीचे जहाँ लिखा है ना डाउनलोड, उसे प्रेस कर लीजिएगा, वो आपके फ़ोन के होम स्क्रीन, टीवी के होम स्क्रीन और ज़्यादातर लैपटॉप होम स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप उनके अंदर इंडियन चाइनीज़ हर मुल्क के हर किसी के शो हैं। ओके गाइस, और तो इफ़ यू आर वेरी इंटरेस्टेड टू सी द इंडियन शोज़, तो प्लीज़ इंटरेस्टेड डाउनलोड करें इस ऐप को, लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ना करना भूलना। ओके गाइस सी यू फ्यू मिनट्स। फाइनली 3 बजने वाले हैं, 3 बजने में सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं और पीछे रोज़ा खुलने में सिर्फ 3 घंटे, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अफ्तारी में क्या क्या बनाऊँगा। मेरी पहली डिश ऑफ कोर्स रोटी सालन, सब बना के खाते हैं, उसके साथ मीठे में लस्सी और फ्रूट्स, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई होप यू आर एक्साइटेड। सो गाइस आई एम वेरी एक्साइटेड ताज़ी ताज़ी खाने के लिए, और मैं तो बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, और आई होप आप भी रोज़ा रख के, जिन लोगों को रोज़ा लगा है प्लीज़ ज़्यादातर काम ना करें, ज़्यादातर सो जाए क्योंकि सो के रोज़ा घुसाया जा सकते हैं गाइस। सो सी यू फ्यू मिनट्स। ओके सुबह के 7 मिनट हो चुके हैं और असर की अजान कुछ मिनट में होने वाली है, तो मैं
एक्साइटेड भी हूँ और फिक्र भी हूँ, तो मैं आपसे मिलूँगा फ्यू मिनट्स में। मैं तो बहुत बोर हो रहा था, सोच रहा था कि ज़्यादा लंबा व्लॉग ना करूँ, तो आधे क्लिप्स में बीच में नहीं डाल रहा, सो दैट्स व्हाई। तो अभी मैं बोर हो रहा हूँ, तो अभी तो टाइम हो चुका है, अब बने बजने लगे हैं 4, तो पीछे सिर्फ 3 घंटे बचे हैं, पहले 4 थे अब 3 बचे हैं, तो उसके बाद देखते क्या होता है कल। सो देखते क्या होता है। तो गाइस जिस जिस बंदे ने मेरा अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे, मेरा पहला व्लॉग था माय हाउस टूर ऑफ अमेरिका, दूसरा मेरा व्लॉग हाँ टूर ऑफ फूड यूनिवर्स, तीसरा था मेरा 99 सेंट स्टोर, टूर ऑफ 99 सेंट स्टोर, और फोर्थ था मेरा ग्रोसरी स्टोर स्काई इंटरनेशनल ग्रोसरी स्टोर, एंड पांचवा नॉट ग्रोसरी स्टोर इन कोनी आइलैंड ग्रोसरी स्टोर इज, और उसके बाद मैनहट्टन पार्ट 1 पार्ट 2 मेरे चैनल पे अपलोड हुआ है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को हमेशा प्यार करें, मैं मिलता हूँ आपसे कुछ मिनट में जब मेरे डैड घर आ जाएंगे। डैड घर आ चुके हैं और सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं, 3 घंटों का है फासला, फिर कुछ नहीं है, ठीक है गाइस। तो मैं मिलूँगा आपसे जब तारीख बनानी स्टार्ट करूँगा, सोचा तारीख की तैयारी पहले शुरू कर देंगे, 5 बजने वाले हैं तो ज़्यादा चीज़ें बनानी है, इसलिए ये देख सकते हैं आप गाइस, ये है ग्रेप्स काले अंगूर जिनको मैं भी चू ग्राइंड करके ना उनका जूस निकालूंगा, तो गाइस आप भी देखेंगे, और इसे मैं आज की इफ्तारी के लिए यूज़ करूँगा। ओके गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 चलो गाइस ये तो हो गया तैयार, अब इसका करते हैं सारा काम तमाम। सो लेट्स चलिए इसे ले चलते हैं इधर, आपको ओह सॉरी गाइस इधर रखते हैं, तो इधर देख सकते हैं आप, मुझे निकाला रहा हूँ मैं। सो ये है पॉइंट जिससे मैं निकालूंगा सारा, मैडम साहब भी चल रहा है देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप कैसा बिजनेस के दोस्त डालूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपसे मिलूंगा यू विल स्पीक टू मी डैड भी आ चुकी हैं। मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ नमाज असर की, तो मैं मिलूंगा आपसे 6 बजे। ओके गाइस सी यू 6 o'clock। नमाज पढ़ के आ चुका हूँ और अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ रोज़ा खुलने के 6 बजने का, सो अभी तो 5:18 हुए, तो बहुत टाइम पड़ा है, तो मैं ज़्यादातर बातें नहीं करूँगा, तो अब मैं सीधा 5 बजे नहीं बल्कि 6 बजे मिलूँगा 6:30 पे। ओके गाइस सी यू इन 6:30। 6:30 हो चुके हैं गाइस, तो ये इंसान बनाने लगा है पापा का ये रोटी, तो मैं बची कुछ चीज़ें रेडी करने की कोशिश करता हूँ जब तक ये रोटी बनाता है गाइस। सो आटा ये रहा, देख सकते हैं आप हमारा फ्रिज, ये लो भाया ये लीजिए, पेड़ा कर दो भाया बात मत, हम ले जा रहे हैं बस एक ही चाहिए पेड़ा, तो गाइस चलेंगे यहाँ से। सो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी बंदे को भी ना उसकी करेक्टर की वजह से कभी जज मत कीजिएगा, कि आपको नहीं पता जाके वो क्या बने, अगर आपको पता चल गया कि वो क्या बनेगा उसके फ्यूचर में, ठीक है गाइस, तो आपको नहीं कर, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को उसकी करेक्टर के बारे में जज करें गाइस। तो मैं आपसे मिलता हूँ ठीक सब चीज़ें तैयार होने के बाद, सब कुछ तैयार है, सेवैयाँ इस हॉट पॉट के अंदर, सब रोटियाँ हैं, सालन
मीठे में आज कुछ ज़्यादा ही है गाइस, रूह अफ़ज़ा है, जूस है, ब्लैक अंगूर का जूस है, ग्रीन का है और एक और जूस है। तो गाइस मैं पापा को बुलाने वाला हूँ ताकि वो रफ्तारी कर ले, सो लेट्स चेक रफ्तारी कब खुलेगी। आज गाइस तीसरा रोज़ा है तो सात बज के 24 मिनट, तो हाँ आज 7:24 पे रोज़ा खुलेगा तो हम अफ्तार करेंगे। तो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ जब डैडी को बुला लिया जाएगा इसे, ओके सी यू गाइस। जैसे आप ये सब देख चुके हैं ये है हमारी अफ्तारी का सब सामान, तो वो आने वाले हैं मुँह हाथ धो रहे। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आपको मेरे साथ आज डीप ताकि अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगा आपके साथ April 12 को। सी यू गाइस, बाय।